स्वागत है आप सभी के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी में मौसम अलर्ट, मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने यूपी के किन किन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल पर आए हों पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। कल दोपहर बाद आपको बता दें, कई जिलों में हुई तेज बारिश से कई शहरों को तरबतर कर दिया। बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने से गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं आपको बता दें, सुल्तानपुर में आपको बता दें, कुछ समय पहले करीब एक घंटा तक बारिश हुई। आपको बता दें, धूप में सूख रही धान की फसल के लिए बारिश के ये बूंदे किसी अमृत से कम नहीं है। किसान भी खुश हैं मौसम ने। आपको बता दें, मौसम विभाग ने यूपी के 19 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसी बीच आपको बता दें कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अमरनाथ मिश्र का पूर्व अनुमान है कि आने वाले 7 दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। उन्होंने बताया कि 3 दिन बाद आपको बता दें, मानसून के उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक गुजरने की उम्मीद है। ऐसे में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना बन रही है। चलिए अब जानते हैं कि मौसम विभाग ने किन 19 जिलों के लिए भारी बारिश के आसार जताए हैं। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर नगर, बहराइच, संत कबीर नगर, मैनपुरी, गोरखपुर, मऊ, बलिया, बनारस, प्रयागराज, फतेहपुर, झांसी, हाथरस, आगरा, औरैया, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और बरेली जिलों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में हर रोज हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में आपको बता दें, आज से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको बता दें, 5 दिनों तक भारी बारिश होने का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आपको बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के इलाकों में आपको बता दें, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आपको बता दें, ये भी कहा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आपको बता दें, आज से व्यापक वर्षा होगी। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आपको बता दें, 1-2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, उत्तराखंड के बारे में भी आपको बता दें, उत्तराखंड में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। 2 दिनों तक आपको बता दें, राज्य में इसी तरह बारिश होती रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक आपको बता दें, कल को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तीव्र बौछारें तो कहीं भारी बारिश होगी। आपको बता दें, आज को भी देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तेज बौछारों के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।